कल सोमवार है, क्या कल का दिन न्यूक्लियर वॉर का फेज वन होगा? ये बड़ा सवाल है। चौबीस घंटे बाद रूस के सामने 14 देशों की सेना। पुतिन के सामने नाटो का परमाणु प्रदर्शन। साठ फाइटर जेट से रूस को लास्ट वार्निंग। B-52 का टारगेट लॉक, काउंटडाउन ऑफ। न्यूक्लियर हथियारों से नाटो का क्लियर मैसेज। न्यूक्लियर बम रेडी, हमला कभी भी। तो क्या कल का सोमवार न्यूक्लियर वॉर का फेज वन है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है। रूस का दुश्मन नंबर एक नेटो रूस से कुछ ही दूर पर अपने परमाणु हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। एक साथ 14 देश व्लादिमीर पुतिन को ललकारेंगे। 30,000 से ज्यादा सैनिक पुतिन की आर्मी को खुलेआम चैलेंज देंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट से न्यूक्लियर बम गिराने की रिहर्सल होगी। सोमवार को क्या होगा, ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। कुछ घंटों बाद रूस के सामने गरजेंगे B-52 विमान। कुछ घंटों बाद रूस को चुनौती देंगे F-16 और MiG-29। कुछ घंटों बाद रूस के सामने खड़े होंगे 30,000 सैनिक। कुछ घंटों बाद नेटो का न्यूक्लियर हथियार सामने आएगा। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वहां खतरे की आहट सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अब नेटो ने पहला कदम उठाने का फैसला कर लिया है। अगले कुछ घंटों में नेटो युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। ये युद्ध अभ्यास कोई साधारण ड्रिल नहीं होगी, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉर ड्रिल होगी। नेटो रूस के सामने परमाणु हमले का युद्ध अभ्यास करेगी। इस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को स्टेडफास्ट नून नाम दिया गया है। वैसे तो ये न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज नेटो की सालाना होने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन इस साल नेटो का ये परमाणु युद्ध अभ्यास सिर्फ वॉर एक्सरसाइज नहीं बल्कि रूस को लास्ट वार्निंग होगा। पिछले दिनों ऐसी आशंका थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये एक्सरसाइज रद्द हो जाएगी, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने साफ कर दिया कि युद्धाभ्यास को रोकना रूस को गलत संदेश देगा। This exercise, the Russian exercise, is an annual exercise. It's an exercise
where they test and exercise their nuclear forces. We will monitor that, as we always do. And, of course, we will remain vigilant, not least in light of the veiled nuclear threats and the dangerous nuclear rhetoric we have seen from the Russian side. NATO ki nuclear exercise uttar pashimi Europe mein hone ja rahi hai. Britain, Belgium aur uttari sagar ke aasman mein ye exercise hogi. रूस ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया को दहशत में डाल रखा है और इसी दहशत का जवाब देने के लिए नेटो भी अपना न्यूक्लियर पावर का प्रदर्शन करेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो संगठन में वैसे कुल 30 देश शामिल हैं, लेकिन इस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में नेटो के 14 देश शामिल होंगे। यानी 14 देशों की एकजुटता रूस को ये बताएगी कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो नेटो भी अपना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। जिस जगह नेटो का न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज होगा वो जगह रूस से 1000 किलोमीटर दूर है। जानकारी के अनुसार रूस के पास युद्ध शुरू होने से पहले करीब 1800 मिसाइल थी, जो अब घट के करीब 600 रह गई है। दूसरा, T-62 टैंक जो बहुत पहले सर्विस से बाहर हो चुके थे उन्हें लड़ने के लिए फिर तैयार किया जा रहा है। और तीसरा, बेलारूस के सैनिकों की मदद ली जा रही है। इससे ये पता लगता है कि रशिया के पास आर्म्स, एम्यूनिशन और ट्रूप्स की कमी है। इस एक्सरसाइज में नेटो देशों की वायुसेना शामिल होगी, यानी आसमान से न्यूक्लियर वेपन गिराने और न्यूक्लियर हमलों का अभ्यास होगा। इस युद्धाभ्यास में 60 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। F-16 फाइटर जेट्स आसमान में करतब दिखाते हुए परमाणु बम बरसाने का युद्धाभ्यास करेंगे। MiG-29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में MiG-29 विमानों से न्यूक्लियर वेपन गिराने का भी अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा युद्धाभ्यास में टैंकर एयरक्राफ्ट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल होगा। स्टेट फास्ट नून एक्सरसाइज में अमेरिका की वायुसेना भी शामिल होगी। अमेरिका अपने सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम B-52 बॉम्बर को भेजेगा। ये B-52 बॉम्बर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा के मिनोट एयरबेस से उड़ेगा। B-52 बॉम्बर 31,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। B-52 एक घंटे में 960 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये अमेरिका का सबसे पुराना बम वर्षक विमान है। जाहिर है अमेरिका के इस खतरनाक बॉम्बर को युद्धाभ्यास में शामिल कर नेटो देश इशारों ही इशारों में रूस को वार्निंग देंगे। हालांकि नेटो ने पहले भी साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध अभ्यास में किसी लाइव बम को नहीं शामिल करेंगे। जानकारी के अनुसार रूस के पास युद्ध शुरू होने से पहले करीब 1800 मिसाइल थी, जो अब घट के करीब 600 रह गई हैं। दूसरा, T-62 टैंक जो बहुत पहले सर्विस से बाहर हो चुके थे उन्हें लड़ने के लिए फिर तैयार किया जा रहा है। और तीसरा, बेलारूस के सैनिकों की मदद ली जा रही है। इससे ये पता लगता है कि रशिया के पास आर्म्स, एम्यूनिशन और ट्रूप्स की कमी है। नेटो के 14 देशों का ये वॉर एक्सरसाइज 17 दिनों तक चलेगा, यानी 17 देशों के 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अगले 14 दिनों तक एक साथ एक जगह पर रहेंगे और 30,000 से ज्यादा वायु सैनिक भी एक ही जगह पर मौजूद रहेंगे। यानी यूक्रेन पर अगर रूस का हमला हद को पार करेगा तो नेटो के लड़ाकू विमानों को 1000 किलोमीटर दूर उड़ान भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। नेटो पुतिन को डराने की कोशिश कर रहा है, मगर पुतिन इतनी जल्दी डरने वाले नहीं हैं। कुछ घंटों बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर सैन्य प्रदर्शन होने वाला है। इसका इंपैक्ट कितना डेंजरस हो सकता है, इसका एहसास नेटो को बखूबी है।
नेटो भले ही बार बार दावा कर रहा है कि वो युद्धाभ्यास में कोई लाइव बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पुतिन को नेटो पर, अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर युद्धाभ्यास के बहाने रूस पर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो परमाणु बम का ट्रिगर भी दब सकता है। रिपोर्ट आप देखें। दुनिया इस वक्त परमाणु हमले के मुहाने पर खड़ी है। वैसे तो कई मुल्क पहले भी परमाणु हमले की धमकी देते आए हैं, लेकिन इस बार की धमकी पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार धमकी रूस ने दी। पुतिन को न्यूक्लियर वॉर जैसा खतरनाक कदम उठाने से रोकने के लिए नाटो और अमेरिका भी एक्टिव हो गए हैं। इसी कोशिश में सोमवार से नाटो के 14 देश न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इस अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का सबसे पुराना बमवर्षक विमान B-52 बॉम्बर शामिल हो रहा है। B-52 बॉम्बर अमेरिका के जिस एयरबेस से उड़ान भरकर वॉर एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए आ रहा है, वो लोकेशन रूस के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर USA के नॉर्थ डकोटा में मौजूद मिनोट एयरबेस से आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने कुछ न्यूक्लियर हथियार मिनोट एयरबेस पर तैनात कर रखे हैं। मिनोट एयरबेस के अलावा अमेरिका ने कुल 9 ठिकानों पर परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। लेकिन रूस के लिए खतरा अमेरिका में तैनात परमाणु बम नहीं, बल्कि अमेरिका से बाहर तैनात अमेरिकी परमाणु बम है। अमेरिका ने अपने मुल्क के बाहर करीब 100 परमाणु बम को तैनात कर रखा है और उनकी निगरानी अमेरिका की फौज करती है। यूरोप में ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम छिपा रखे हैं। जिन देशों में अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन है उनमें बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और टर्की का नाम सामने आता है। सबसे खास बात ये कि इन मुल्कों में न्यूक्लियर बम एयरक्राफ्ट में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि धरती के नीचे एक सुरक्षित लॉकर में रखे हुए हैं। उस लॉकर का कोड अमेरिका के पास ही है। अमेरिका के एक आदेश पर लॉकर से निकालकर न्यूक्लियर बम को बॉम्बर विमानों में लोड किया जा सकता है। यूरोप में रखे हुए अमेरिका के उन्हीं परमाणु बम के कारण ही रूस अभी अपनी सीमा नहीं लांघ रहा, क्योंकि पुतिन को डर है कि अगर उसने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमला किया तो अमेरिका के परमाणु बम भी उस तक पहुंच जाएंगे। रूस के डर से ही अमेरिका और नेटो न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दरअसल में अमेरिका ने इससे पहले ही यूरोप के 5 देशों में अपने 150 एटॉमिक बम एकदम तैयार स्थिति में रखे हुए हैं, और अब जो ये 14 देशों के साथ एक न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज हो रही है डमी एक्सप्लोसिव्स के साथ में, ये भी रूस के डर की वजह से ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही आशंका जता चुके हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु हमले की संभावनाएं मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 संभावनाएं बन रही है जिसके आधार पर पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अगर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की सोचेंगे तो इसके लिए यूक्रेन में किसी सैन्य ठिकाने पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। लेकिन इस कदम के बाद रूस को अमेरिका और नाटो का जवाबी हमला खेलना पड़ सकता है। दूसरी संभावना ये है कि पुतिन समंदर में परमाणु हथियार गिरा दे, इससे पुतिन यूक्रेन और नाटो देशों तक अपना संदेश पहुंचा देंगे। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि पुतिन अपने ही मुल्क में कोई परमाणु परीक्षण कर दे, इससे भी यूक्रेन और नाटो तक वो अपना कड़ा संदेश पहुंचा देंगे। परमाणु अटैक की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के सामने हथियार डालने के मूड में नहीं दिख रहे। Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині. Найважче Бахмутський напрямок, як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували. रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के खिलाफ हमले की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है। अब रूस यूक्रेन पर वैसे मिसाइल हमले नहीं कर रहा
जैसे एक हफ्ते पहले हो रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हमलों को धीमा करने के पीछे पुतिन की कोई खास रणनीति है। वो रणनीति क्या है, इसका खुलासा तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रूस परमाणु हमला करेगा या नहीं, ये नेटो के युद्धाभ्यास से तय होगा, लेकिन अभी हवाई हमलों का दौर चल रहा है। रूस ईरानी ड्रोन की मदद से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। रूस ने एडवांस ड्रोन से यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, दरअसल S-300 का इस्तेमाल किया गया। तबाही रूस की तरफ से लगातार मचाई जा रही है और पलटवार यूक्रेन भी कर रहा है। बाकी देशों से मदद भी यूक्रेन को मिल रही है। तो कुछ ही घंटों में जब युद्धाभ्यास शुरू होगा तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आएगी कि भविष्य, आने वाले दिन क्या कुछ देखने को मिल सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच देखिए जंग में सबसे बड़ा रोल ड्रोन का है, इससे जुड़ी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। तो रूस ड्रोन से वार करता है, यूक्रेन भी ड्रोन से पलटवार करता है। फर्क यह है कि यूक्रेन के पास ज्यादा एडवांस अमेरिकी होविट्जर ड्रोन है, जिससे यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन अटैक कितना भीषण है इसका अंदाजा आसमान में छाए धुएं से आप लगा सकते हैं। रूस ने किस तरह सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन के पास ज्यादा एडवांस अमेरिकी होविट्जर ड्रोन है, जिससे यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है। ड्रोन अटैक कितना भीषण है उसका अंदाजा आप आसमान में फैले धुएं के गुब्बार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रूस यूक्रेन आज देखिए दोनों के बीच जंग का आज 235वां दिन, लेकिन ना अब तक रूस के हमले रुके हैं और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। रूस और यूक्रेन दोनों लड़ ही रहे हैं और अपने अटैक का वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं। ये नया वीडियो जो आप देख रहे हैं ये यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें उसकी तोपें रूस के सैनिकों पर बम बरसा रही हैं। यूक्रेन एक गोला दागता है तो 10 गोले से उसका जवाब रूस की तरफ से दिया जाता है। रूस ने अपने सबसे खतरनाक टैंक यूक्रेन पर तैनात कर रखे हैं, जिसके सामने यूक्रेन की पावर टिक नहीं पा रही। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन को कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ।